अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ईद का दिन है, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम नमाज के लिए जल्दी उठे क्योंकि हम बाहर सोए थे और बारिश के कुछ इम्कान थे, आसमान में गुड़गुड़ हो रही थी। तो दिन तो अच्छा था, बारिश नहीं हुई लेकिन गर्मी इतनी नहीं थी। ईद का दिन यहीं से शुरू करेंगे। ये देखें, सूरज बस निकलने वाला है थोड़ी देर में, और मैं आपसे कल रात वाली मेहंदी शेयर करूंगी, देखिएगा। मेरे फेवरेट यही दो डिज़ाइन थे। और ये दोपहर का वक्त है, मैं चावल खा रही हूँ, ईद के चावल, और ये रहा हमारा गोश्त। अच्छा, कई सालों से ईद के जो कीमा होता है वो मैं ही बनाती हूँ ऐसे ही बैठ के। मेरे भाई भी मेरे साथ होते, लेकिन आज मैं जल्दी सो गई थी और जब मैं उठी तो इन लोगों ने मेरा वाला काम करना शुरू कर दिया था। तो करने दो, मुझे आसानी होगी। और यहाँ आया ट्विस्ट, दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे अब्बू को गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि हम कल रात को भी सही तरह से नहीं सोए तो हम जल्दी से वापसी पेशावर आ गए थे। और आते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कबाब बनाए और हमने वही खाए। और बस रात का नमाज पढ़ते ही हम सब सो गए, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे दोबारा गांव जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ बारबेक्यू भी करना है और एक दो कुर्बानियाँ और रहती है, वो भी करनी है। और मैं फिर ईद डे 2 व्लॉग भी आपसे शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, बस हमारा यही ईद था, गुज़र गया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो, बाय।